किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मायने रखता है कि आप उन चुनौतियों से कैसे पार पाना सीखते हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से सीखेंगे कि अगर जीवन में हम ईमानदारी और बुद्धिमानी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो क्या लाभ मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है उन्नति के बीज। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बड़ा होशियार था। उसके चार पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वहन कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं, 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहु बेटे ने सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल बाद तक कौन याद रखता है कि हम तो बड़े हैं तो धन पर हमारा पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उसने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा कि हम रोज सुबह पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहु बेटे ने समझदारी से सोचा और 5ों दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस बार हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी आंखें कहानी सुनी। और जब वो चौथे बहु बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं, हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहु बेटे को सौंप दी और कहा कि तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। दोस्तों, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों को चाहे वो कितने कम ही क्यों न हो का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारी ईमानदारी और बुद्धिमानी से निभाने पर आदमी उन्नति ही करता है, जैसा कि हमने स्टोरी में सीखा। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए।
और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।